मैं कह रही हूँ ये इसका पति है ही नहीं, देख लेना तू, देख ली अभी रुक जाना, पति नहीं है इस वाले व्लॉग में है तू जो इन्हें भी डाला है अच्छे से बना ले, ये इसका पति नहीं है बोल रही मेरी शक्ल देख के बोल रही है ये इसका पति हो ही नहीं सकता, ये तो कोई फेमस बंदा है ठीक है ना, तो देख रहा यार ये तेरा पति है हमें नहीं देख रहा इसको वीडियो तेरा कल व्लॉग डालेंगे पक्का डाल दिया ना इसमें व्लॉग तो देख तू देख ये देख इसे चार्ज नेशनल में तू देख मैं तेरे को दिखाता हूं देख कितने पड़े हो गए ये तो फेमस है हां सही बोल रही हूं मतलब मैंने देखी इसकी कई वीडियोस ये देखना ये इसका पति ही है ये इसका पति इससे ज्यादा फेमस है ये देख मेरे घर भी आया था देख हम लोग सारे सब डालते रहते हैं ये लोग ये देख देख इसका पति है ये देख ले शॉर्ट वीडियो देख ले देखा ये लड़का मैंने हाँ तो इसका पति है तू मानने को राजी हो रही नहीं सही बात है ये तो सही है ये तो सही मुंबई में जो दिवाई साहब मेरे को बड़ी खुशी होती है नहीं सच्ची में ये लड़का फेमस से मजाक नहीं कर रहा मैंने देखा है इसका ना मतलब इंस्टाग्राम पे देखी मैंने इसकी वीडियो मोटिवेशन स्पीच देता है मैंने बोलते ये देख पूरा बिना कटे ना डले जितना भी तूने उसकी तारीफ में बोला है ना डाल दी ना क्योंकि इसने डाल दी मैं कह रहा हूँ तू भी देखियो तो कल बिल्कुल तेरे एक एक वर्ड टू वर्ड कटेगा देखियो यूट्यूब पे कर हरकत कर दी ना तूने अगर मैं डल गई तो तू देखियो देख के आज मैं इतनी गंदी बन के आई हूँ पहले बता रही हूँ तेरा सीवी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी लेकिन तू यार देख फोटो खींच ले कल तू इसी टाइम पे शाम को 8 या 9 बजे के बाद इसी चैनल पे मिलेगी देख मैं और मम्मी आए हुए तस्वीर में है माँ किसके साथ आए ना हमारा काम कुछ नहीं हम बैठे फ्री में पिछले 1.5 घंटे से और अभी 1.5 और लगेगा सुबह के निकले हुए हैं खाखा कचौरी दुल्ली चंद हलवाई नाम सुना था झज्जर में दुल्ली चंद भाई अब कचौरी खाने गए दो दिल्ले की कचौरी नहीं उसकी कोई टेस्ट नहीं आया कुछ नहीं घेवर लेके आए हम घेवर लेके आए देखो भी खा के देखेंगे कदे कचौरी हमारे का टेस्टी होगी घेवर महंगा भी बहुत है भाई साहब 700 रुपए के जी आया खा लो घेवर 100 के हिसाब से 100 के 4 बर्गर आए थे 700 के कितने हुए 728 पूरी फैमिली 2 दिन खाए बहुत बहुत चटकारे है भाई सभी एक दो ही नहीं है वो कम मैं भी नहीं हूँ मैं बहुत चटका मुझे जब पता चलता है ना कि भाई साहब नहीं बनेगी बात मैं खुद किचन में घुस जाता हूँ खुद ही चटकारे ले चटकारे दे चटकारे फिर मम्मी आती है पीछे से सारे घी का सत्यानाश कर दो थम ये मेरा पटका नहीं घी खत्म होगा जब नहीं अभी खत्म कहाँ होगा अभी तो कम से कम 2-3 महीने और चलेगा दो तीन महीने और चलेगा उसके दो तीन महीने तो हम चला दे चलो ना वीडियो बनाने मेरी उसको दो रहे तो यहीं से यहाँ से वीडियो नहीं बनेगी ना टैंक तो ऊपर खड़ी होकर बना टैंक पापा जी खड़ा होला वो बहुत है आप रुक जाओ खड़ी ना ना टैंक पे पापा जी ने रहने दो तुम नीचे रहो ना मैं एक बार तो खड़े कर दे देखन तो देख इसके क्या का सर ये लोहे का है दिखा के तो ले देख लो ना दूर से ना दूर तो ना देखूं दोरे जाके ताल के दिखा दोरे जाके क्या देखोगे नहीं देख पाएंगे अरे उधर से रास्ता होगा वो वहां से चल हाथ लगा के वहां से रास्ता हाथ लगा के देखने दीपिका पादुकोण है हां बस थोड़ा सा इसको उठाओ थोड़ा उसको झुकाओ और निकल जाओ अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा जाओ वो लड़की और उसकी माँ ना पलट पलट के देख रही है दोनों माँ बेटा कर क्या रहे हैं हम ब्लॉग बना रहे हैं वी आर ब्लॉगर्स ब्लॉग बना रहे हम आगे तक घूम के आ गए इधर तार ही नहीं लगे हुए भाई साहब अब मैं यहाँ से भी ना उतरा जाए आपसे तो ऐसे 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 करके ऐसे आ जाओ दूर से नहीं देख सकते थे उसके ऊपर बैठोगे अब भाई साहब मम्मी को बैठना अब टैंक पे अब इधर से रास्ता ना मिले टैंकर पानी का होता है अच्छा ये टैंक है अच्छा टैंक नोट टैंकर अब फिर एक बाढ़ फिर समस्या और कुछ नहीं है पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे मम्मी बोल रही मेरे को पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते क्यों नहीं पकड़ सकते भैया आपको पुलिस वाले अच्छा अब ये इसमें क्या देख रहे हो ये छोड़ दो ना वो किसी अरे ये लगाऊं इसका खुला अच्छा इसमें रखी तुम हम फौजी आदमी था सुरक्षा के लिए बीएसएफ बॉर्डर बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स नहीं बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
अच्छा बोलो उनको दूसरा लग रख के जाएंगे भाई साहब। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा और इसकी कहीं पे भी ना डिटेल्स नहीं लिखी होगी, ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, पूरे एरिया में इसकी कहीं पे भी डिटेल्स नहीं लिखी हुई है। मैं इसकी डिटेल्स ढूंढ रहा था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, बट वो लिखी ही नहीं कहीं भी ना इसके आगे पीछे। एक हमारी मम्मी बोल रही है ये तो जंग खा गया है चेंज कराओ। भाई साहब सब अपने काम में व्यस्त है और माता जी को खाने गोलगप्पे क्यों गोलगप्पे क्यों खाने है, कुछ और नहीं खा सकते भाई साहब। मात्र 50 कदम चलते ही बोल रहे थक गए अब गोलगप्पे चाहिए और चटकारेदार हमें बोलते हो है, खुद लेते रहते चटकारे दिल्ली दिल्ली से सस्ते हैं, दिखाऊंगा ना सबको दिखा हम तो आपको साथ लेके जाते हैं, आप अकेले अकेले खाते हो घूम रहे हो हैं ना। मम्मी भैया से पूछोगे नहीं कहाँ से है क्या करते हैं गोलगप्पे वाले से पूछ रहे क्या काम करता है भैया थोड़ा और तीखा इसमें कुछ बनता तो है नहीं, अगले गोलगप्पे में खुद बैठ के आएगा। 10 रुपए के गोलगप्पे खाए हैं, 10 उसे बातें सुना दी आपने हैं, खुद ऐसे समझदार से इसने खुद मेरा से टेस्टी नहीं है बता दे भाई। आप क्या कहना चाहोगे भैया, नहीं है टेस्टी, नहीं है सिल्ले सिल्ले से है और ना कुछ बरकत दे रहे, बोल दे सच्चाई बता, अब तो सच बता दे। पानी भी टेस्टी नहीं बना रखे उधर तो मैं एक गिलास पानी पी जाऊँ की बात मैं 10 रुपए गोलगप्पे खाए 50 का तो पानी पी लेते अब क्या खा रहे हो हे भगवान गोलगप्पे किसने खिलाए, अच्छा मैंने खिलाए, प्लान किसका था गोलगप्पे खाने का, अच्छा गोलगप्पे खा लेगा प्लान आपका और मन मैंने खराब कर दिया, अरे रहन दो आप यार मन मेरा ठीक है। टैंक के पास खड़े होके सॉफ्टी ऐसी फील आ रही थी खेत में खा रहे हो ना, ऊपर बादल हो रखे है बारिश का कोई चांस नहीं, गर्मी बहुत सारी नवीन ने मार गिरे, बहुत ही ज्यादा गर्मी है बहुत ही ज्यादा। आइसक्रीम खा खा कर टाइम पास कर, आइसक्रीम नहीं खा रहे मतलब पहले, हाँ हमने किया पहले, वो सब तो काम के चक्कर में घूम रहे, मैं और मम्मी फ्री है, हम लेते फिर रहे फुल चटकारे भाई साहब, पहले हमने खाई कचौड़ी फिर हम खा के आए अब गोलगप्पे अब कुल्फी, अब अगर हमें कुछ और दिख गया छोड़ेंगे हम वो भी नहीं फूड ब्लॉग बना देंगे, फूड ब्लॉगर बन जाएंगे आज हम, गोलगप्पे कतई जीरो कचौड़ी कतई जीरो। खाने के मामले में जो बात है वो है, कोई एक्सक्यूज नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे कि भाई यहाँ का खाना अच्छा आप यहाँ आओ, ये झज्जर ऐतिहासिक नगर है उसमें आपको देखने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तीन चार जगह है घूमने लायक, फोटोशूट तक करा सकते हो आप उन तीन चार जगह पे, तो बट खाने के मामले में ऐसा कुछ है नहीं, खाने के मामले में आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें मिलेंगी। चटकार है दिल्ली में है घी घी दूध दही ये असली मिलेगा आपको, इतना 640 का सिर्फ 600 रुपए का दिल्ली चंद से 1 किलो घेवर। चलो पापा जी चलो। भाई साहब आज तो सुबह के निकले हुए अब घर आके पहुंचे हैं, पूरी दोपहर सर के ऊपर से निकल गई, एक तो गांव में बारिश होती रहती है फिर धूप निकल जाती है फिर बारिश फिर धूप, उस वजह से हुमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत गर्मी है भाई साहब गांव में, तो मैं तो कालो हो गए 2 दिन में ही कालो, अब दिल्ली जाए के और स्क्रब लगा लगा के नहाना पड़ेगा, भाभी और भैया के सारे स्क्रब और फेस वॉश ख़त्म अब की बार। हाँ जी गर्मी में परेशान होके कैसा लग रहा है, मजा ही आ गया गर्मी में परेशान मजा ही आ गया परेशान होकर। सो इतना ही था ये व्लॉग, मैंने सोचा कि अंत में तो आ ही जाते हैं, पूरे दिन आज तो व्लॉग में दिखा नहीं, मैं देखूंगा भी कहाँ से भाई घर में क्या ही व्लॉग बनाऊं, दोस्तों ये मेरा बेड है मैं यहाँ सो रहा हूँ, दोस्तों ये मेरी चाय है मैं पी रहा हूँ गर्म है, ऐसा कुछ था नहीं खास, वैसे भी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था तो आप काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है पता नहीं चलता, सारिका अपने ऑफिस मम्मी गाँव में ऐसे दिन निकल गया। प्यार बनाए रखिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में दुआएं बनाए रखिए, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, टाटा बाय बाय बैंक चम्मा।